निकी तंबोली अपने भाई को याद कर एक बार फिर हुई इमोशनल। 2 महीने बीत चुके हैं निकी तंबोली के भाई के निधन को और इसी सब के बीच निकी ने अपने भाई को लेकर एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। वेल, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी सिचुएशन, सारी डिटेल्स मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टीवी धमाका को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहां पर मिल जाए और आप इंटरटेन हो पाए। तो यहां पर बात करेंगे निकी तंबोली के भाई जतिन के बारे में। 2 महीने पहले कोरोना के कारण उनकी मौत हो गई थी और उनके मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखी निकी तंबोली, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही वो केप टाउन निकल गई खतरों के खिलाड़ी शूटिंग के लिए, जिसके बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया कि अभी अभी इसका भाई गया है और किस तरीके से ये फ़नी डांस के वीडियोज़ और किस तरीके से फ़ोटो शेयर कर रही है। हालांकि ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था निकी तंबोली ने उस वक्त, लेकिन टाइम बीतता गया, 2 महीने हो चुके हैं। निकी के लिए वो जो पेन है अपने भाई को खोने का, वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है उनके दिल में और इसी सब को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। 2 months today भैया, I know you are happy now and no more in pain. I feel good for you as you are in peace and not facing any trouble. Whereas feel bad for myself for never accepting the fact you are gone. तो इस तरीके से काफ़ी सदमे में दिखी है निकी तंबोली। वो कह रही है 2 महीने भैया हो चुके हैं आपके निधन को और आप जहाँ भी हैं वहाँ पर आप खुश रहेंगे, मैं ये जानती हूँ और मैं इस वजह से खुश हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पीस मिल रहा होगा, लेकिन मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है कि मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि आप हमारे साथ नहीं है। तो इस तरीके से पूरे सिचुएशन को लेकर रिएक्ट किया है निकी तंबोली ने। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।